राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस an अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फेनोइ पे एल फाइनेंस का अगर देखेंगे तो ऐसा एक शेयर है अगर आप देखते हैं तो ये शेयर जो है नाइनटी के पास जाता है उसके बाद फिर से स्टॉक में गिरावट बनता है फिर से स्टॉक जो है लगभग प्राइस देखेंगे तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ अपडेट्स देखने को मिला है एलएनटी फाइनेंस के शेयर को लेके जहां एलएनटी फाइनेंस का जो कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन देखने को मिला था डायवर्समेंट का या फिर जो एसेट ये लोग सेल कर रहे हैं उसको लेके जो अपडेट देखने को मिला था उसके बाद और एक नया अपडेट पे आया है फाइनेंस के शेयर में जो अमाउंट मिलेगा एल फिर माफ कीजिए जो टी फाइनेंस में अमाउंट आएगा वो एसेट सेल करने के बाद वो अमाउंट जो है कहां पे खर्च किया जाएगा क्या उसमें से जो शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को डिविडेंड दिया जाएगा क्या वो अमाउंट जो है वो कंपनी को और बढ़ाने के लिए काम पे लगाया जाएगा तो हर एक इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे यहां पे एक बार देख लेते हैं एनएससी का या फिर जो है इस शेयर का जो डेटा है एनएससी बीएससी जो भी है डेटा है वो देख लेते कि शेयर का डेटा क्या कह रहा है पे अगर टेक्निकल ग्राफ देखते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे शेयर देखने, तो जो जो देखने के लिए वो एक बार जरूर लगाइए आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें जो है आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा अभी यहाँ पे अगर बात करेंगे शेयर का तो बहुत सारे अगर देखेंगे तो जो है दिग्गज है बहुत सारे दिग्गज ब्रोकर से इसको लेके अपडेट आया है या फिर आते रहते हैं टारगेट प्राइस भी दिया जाता है कि 99 या फिर 100 के ऊपर भी शेयर जा सकता है तो वही अगर देखेंगे दोस्तों तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेगा जिन्होंने ये शेयर जो है ज्यादा प्राइस में लेके रखा है अभी क्या हो रहा है स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट बनता हुआ दिखाई शेयर में और अभी भी अगर आप टेक्निकल या फिर जो भी है आप इंडिकेटर वगैरह यूज उस करते हैं उसमें शेयर का देखेंगे इन्फॉर्मेशन तो भी जो है आपको बताएगा कि वहां पे आपको और गिरावट देखने को मिल सकता है स्टॉक में जो और सेल हो करना चाहिए तो सही में यहाँ पे अगर सेल करेंगे तो जिसने यहाँ पे ज्यादा प्राइस में स्टॉक लेके रखा है अगर आपके पास ये शेयर है ज्यादा अमाउंट में एट्टी फाइव एटी में तो क्या करना चाहिए अगर किसी के पास ये शेयर नहीं है अगर वो खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना चाहिए तो हर एक इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे अगर आपको ट्रेडिंग एंड डिमेट अकाउंट ओपन करना है एंजल बुकिंग आप स्टॉक से या फिर एलआइस ब्लू से तो उसका भी लिंक जो है हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो है हम लोगों ने लिंक दिया है जैसे कि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेगा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है उसका भी लिंक है तो आप वो भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बात है तो दोस्तों डेटा जो है वो भी हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो इस स्टॉक का डेटा है जो इस शेयर का डेटा है वो भी शेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा ग्राफ में तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी भी लग रहा है कि शेयर में जो गिरावट बनता हुआ देख सकते हैं मेगनिकल लाइन आप देख सकते हैं मेडिकल लाइन जो सिग्निकल लाइन को क्रॉस करके नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है पे आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो चलिए अभी देखते हैं कि सही में अगर ये शेयर किसी के पास है या फिर सही में अगर ये शेयर कोई खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या अपडेट ये स्टॉक को लेके ताकि ये शेयर में एक रिटर्न मिले अगर कोई अभी नया इसमें खरीदारी करते हैं जो या फिर अगर किसी के पास शेयर है उनको क्या करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बात करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा एन टी फाइनेंस को उसमें से क्या कहा जा रहा है कहां पे वो इन्वेस्ट करेगा एल एन टी फाइनेंस विल यूटिलाईज द प्रोसेस प्रिमली फॉर रिस्क कैपिटल एंड ओनली ए स्मॉल पोर्सन फॉर ग्रोथ कैपिटल तो वो अमाउंट जो मिलेगा एल एन टी फाइनेंस को एसेट मोनिटाइजेशन के बाद उसमें से अगर देखेंगे तो एक स्मॉल पोर्शन जो है वो अमाउंट का वो कंपनी के ग्रोथ के लिए काम पे लगाया जाएगा ए पार्ट ऑफ द गेम्स फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन कुड ऑल्सो बी पेड आउट एस डिविडेंस हो सकता है कि कुछ डिविडेंड भी जो भी शेयर होल्डर है उनको मिल जाए गिवेन इट्स हेल्दी कैपिटल ऑफ अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड एक्सपेक्टेड प्रोसेस फ्रॉम द सेल ऑफ द म्यूचुअल फंड बिजनेस जो म्यूचुअल फंड बिजनेस ये लोग बेच रहा है तो यहां पे बोल सकते कि एक थोड़ा बोल सकते कि यहां पे अगर देखेंगे जिसके पास भी शेयर है शेयर में गिरावट जरूर देखने को मिला है तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि जो डेविडेंट है हो सकता है कि उनको थोड़ा तो डिविडेंड दिया जाए अभी कितने का डिविडेंड दिया जाएगा कि ये क्या अमाउंट उसका रखा जाएगा पर शेयर इक्विटी शेयर आपको कितना पर जो है आपको डिविडेंड मिलेगा वो सब इन्फॉर्मेशन अभी तक आएगा तो हम लोग वो भी दिखाएंगे फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बट ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी म्यूचुअल फंड के बिजनेस सेल करने के बाद इनको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट जो है रिस्क कैपिटल या फिर अगर देखेंगे तो बाकी जो तो एक छोटा सा अमाउंट है वो कंपनी के ग्रोथ के लिए काम पे लगाएगा और हो सकता है कि जो डेविडेंड ट्रांजेक्शन जो अमाउंट मिलेगा वो जो शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ा डिबिडेंट भी उससे दिया जाए तो एक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि डेविडेंड जो है हर एक शेयर होल्डर को डेविडेंट मिलना चाहिए जब भी कोई शेयर खरीदते तो एक बहुत बड़ा अपडेट है जहाँ पे डिविडेंट का भी देखने को मिल रहा है तो फिलहाल यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिर्फ ये एक अपडेट है इसको लेकर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक ये डिविडेंट मिलेगा कितना अमाउंट का डिविडेंट मिलेगा तो

और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया गया लगभग बोल सकते हैं कि एक साल के अंदर हो सकता है कि ये हिट हो दीरियड इट्स वन ईयर एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड कैन रीच द डिफाइंड टारगेट प्राइस तो एक साल के अंदर एम के को लगता है कि एल एन टी फाइनेंस जो है हंड्रेड रुपीज तक हिट हो सकता है तो देखिए दोस्तों अगर आप आपके पास शेयर है तो जरूर एक बार खुद से रिसर्च कीजिए क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आया है जहां पे बताया गया कि हंड्रेड फाइव तक भी शेयर हो सकता है जाए तो आपको वो ध्यान देना है अगर आपके पास जो है ये कंपनी का शेयर है एल का तो एल एन फाइनेंस का शेयर है तो जरूर एक बार देखिए क्योंकि हंड्रेड रुपीज जाने के लिए हो सकता है।, तो है कि बहुत हो सकता है एक साल तक भी लग जाए देखिए कंपनी में देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है बट इसका शेयर जो है उतना चलता नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है बोल सकते हैं कुछ इनसेडर ट्रेडिंग हुआ है मतलब जो एल होल्डिंग फाइनेंस के जो कंपनीज के लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे जो कुछ ट्रेड किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं और आ, कब हुआ है वो अक्टूबर महीने में हुआ था अक्टूबर के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेडिंग देखने को नहीं मिला है And, uh, कितना हो गया था उनके पास फिफ्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू और वही अगर देखेंगे और एक ट्रांजेक्शन हुआ था जो कि फोर्टी फाइव थाउजेंड क्वान्टिटी का शेयर यहाँ पे लिया गया था और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद कितना इनके पास जो है शेयर बन गया था तो देखिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग देखने को मिला था अक्टूबर तक उसके बाद अभी देखेंगे तो ऐसा कुछ दो तीन महीने से ऐसा कुछ भी ट्रांजेक्शन या फिर ऐसा कुछ भी ट्रेडिंग फिलहाल इस शेयर में देखने को नहीं मिला है तो एक दिन पहले का शेयर का प्राइस अगर हम लोग देखते तो लगभग बोल सकते नाइन परसेंट के आसपास या फिर माफ कीजिए जीरो के आसपास जो शेयर गिर चुका है यहाँ पे आप शेयर का जो वॉल्यूम देख सकते हैं एनएससी का जो ट्रेडेड है और एन जो शेयर का वो भी देख सकते डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो लगभग फोर्टी वन पॉइंट वन परसेंट के आसपास शेयर में जो डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट केसपास शेयर जो है गिरावट दिखाया है यहाँ पे डेयर जो शेयर का डिलीवरी परसेंटेज है फोर्टी वन पॉइंट वन परसेंट तो दोस्तों ऐसा ठीक ठाक यहाँ पे जो है वॉल्यूम लग रहा है इतना भी कुछ ज्यादा वॉल्यूम या फिर उतना भी कुछ जो है वॉल्यूम में गिरावट शेयर का देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पे और एक दिन पहले का देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएससी का ट्रेडेड वॉल्यूम और शेयर का अगर देखेंगे तो डिलीवरी में जो है एक जंप देखने को मिला था फिर भी शेयर जो है लगभग जीरो पॉइंट सेवन परसेंट गिरा था और स्टॉक का अगर देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज जो एनएससी में जो कि हुआ था फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट का तो यहाँ पे अगर आप दो दिन के शेयर का जो है वो कंपेयर करते हैं प्राइस में जो है दो दिन में आप देख सकते हैं जहाँ पे शेयर का डिलीवरी फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट था वो घट के हो चुका था फोर्टी वन पॉइंट वन परसेंट और जहाँ पे शेयर का प्राइस देखेंगे तो 0.7 परसेंट के आसपास शेयर के प्राइस में गिरावट बनता हुआ दिखा था वो घट के हो चुका है 0.9 परसेंट तो अभी जो आपको ये सब इंफॉर्मेशन दिखाया दोस्तों तो इसका मतलब यही था कि कि पे थोड़ा आपको दिखा देते कि शेयर का क्या कह रहा है उसके बाद जो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है उन लोगों का क्या अपडेट है कंपनी से क्या अपडेट देखने को मिला है डिविडेंड वगैरह को लेकर जो म्यूचुअल फंड से अमाउंट मिलेगा उन लोगों को उसको लेके वो सब हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाया तो हमारा जो ओवरव्यू शेयर को लेके यहाँ पे अगर कोई शेयर खरीदता है इस स्टॉक में तो यहाँ पे ज्यादा टारगेट प्राइस आपको शॉर्ट टर्म के लिए रख के चलना नहीं चाहिए फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि शेयर और भी हो सकता है कि गिरे सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है तो अगर आप शेयर खरीदते या बेचते कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं तो खुद से एक बार जरूर दोस्तों रिसर्च कर लीजिए रिसर्च कीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले तो वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एल फाइनेंस में क्या चल रहा है एनएलटी फाइनेंस के शेयर में क्या चल रहा है छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए सब्सक्राइब एन अपडेट